बॉलीवुड में अपने जबरदस्त डांस मूव से तहलका मचाने वाली नोरा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में इनका गाना नाच मेरी रानी रिलीज हुआ है, जो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी खूब ट्रेंड कर रहा है। इस गाने में नोरा अपने जबरदस्त डांस और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बनाती दिख रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे ही कई सुपरहिट गाने देकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, इनके परिवार की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही नोरा के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की दिलबर गर्ल नोरा फतेही विश्व की सबसे खूबसूरत और सेक्सी डांसर्स में से एक हैं। इनके अदाओं पर आज करोड़ों लोगों ने अपना दिल इनके कदमों में कुर्बान कर दिया है। ये खूबसूरत अदाकारा एक इंडो मोरक्को कनेडियाई फैमिली से आती हैं। इनके पिता मोरक्को के बिजनेसमैन थे, पर उनकी कोई तस्वीर नहीं है। उन्होंने एंग्लो इंडियन लड़की से शादी की और आगे चलकर दोनों दो बच्चों के माता पिता बने, पर बाद में इनके पिता ने अपने इस परिवार को छोड़ दिया, जिसके बाद इनकी मम्मी ने अपने दोनों बच्चों को पाला। आज वही इनकी मम्मी मोरक्को में ही अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। माता पिता के बाद बात करें इनके भाई की, तो इनका एक छोटा सा भाई है जिनका नाम है ओमर। वो 8 साल के हैं और मोरक्को में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि नोरा अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती हैं और अक्सर उनके साथ कई तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें उनके अपने भाई के लिए प्यार साफ साफ दिखता है। अब बात करते हैं फैमिली के स्टार नोरा के बारे में। तो इनका जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो के ओंटारियो कनाडा में हुआ। इन्होंने अपना बचपन कनाडा में बिताया और वेस्ट व्यू सेरेटेरियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में एडमिशन लिया, पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। पर पैसों की कमी के कारण इन्होंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर बेली डांस सीखना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई और ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट के साथ मॉडलिंग शुरू की, जिसने इन्हें साइन किया और भारत भेजा। भारत आकर नोरा ने कई ब्रांड्स जैसे मैक्सिटोस चिप्स और एवर यूथ फेस वॉश के लिए कई विज्ञापनों में काम किया, जिसने इन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। इनकी इसी लोकप्रियता के चलते इन्हें साल 2014 में बॉलीवुड फिल्म दहाड़ टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन में काम करने का मौका मिला और इस तरह से इस फिल्म से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में कई फिल्मों में काम किया, पर इन्हें इनकी असली पहचान बतौर डांसर मिली जब इन्होंने बाहुबली 1 फिल्म में मनोहारी गाने पर अपने डांस का जलवा खूब बिखेरा और आगे साउथ की कई फिल्मों में इन्होंने अपने आइटम नंबर से सबका दिल जीत लिया, जिसके बाद साल 2016 में रॉकी एंसम फिल्म में रॉकी द पार्टी गाने से बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आगे चलकर सत्यमेव जयते फिल्म में दिलवर गाने से अपनी अलग पहचान बनाई, जिसके बाद इन्होंने स्त्री फिल्म में कमरिया, बाटला हाउस में ओसा की साकी, मरजामा में एक तो कम जिंदगानी और स्ट्रीट डांसर 3 में हाई गर्मी जैसे कई लोकप्रिय और हिट आइटम नंबर दिए। हाल ही में ये नाच मेरी रानी में गाने में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आपकी फेवरेट नोरा फतेही के डांस के अलावा काफी हॉबीज हैं। इन्हें ट्रैवलिंग और बुक्स रीडिंग का काफी शौक है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो फिलहाल ये सिंगल हैं, पर इनका कई मशहूर शख्स के साथ अफेयर रह चुका है, जिनमें पहला नाम वरिंदर गुरमान के साथ शामिल है जो कि बॉडी बिल्डर है। उनसे ये मॉडलिंग के दौरान मिली, पर जल्द ही दोनों अलग हो गए, जिसके बाद इनका नाम प्रिंस नरूला के साथ जुड़ा। बिग बॉस के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए, पर उसी समय प्रिंस का दिल किसी और पर आ गया तो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। इन दो असफल रिश्तों के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और अंगद बेरी के साथ रिश्ता जोड़ा। उनके साथ इनका काफी करीबी रिश्ता था, पर उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया और नेहा से जल्दबाजी में शादी कर ली, जिसके बाद से ये सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको नोरा की फैमिली का कौन सा शख्स सबसे प्यारा लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड की और भी फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।